तो की हलचल सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी के स्ट्राइक्स देने की वजह से क्रिएटर का पेज टेक डाउन हो गया? वेल गाइस, इंस्टाग्राम में एक पॉपुलर मीम क्रिएटर थे जिनके पेज का नाम था द फैट मीमर। ये यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया वर्ल्ड के अराउंड वायरल मीम्स बनाते थे एंड इनका पेज काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज था। बट कल वो अपने ट्विटर में अचानक से अनाउंस करके बता दिए कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुव राठी के टीम की तरफ से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिले, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने कहा कि वो ध्रुव राठी के ऊपर जो कंटेंट बनाए थे वो ऑफेंसिव भी नहीं था, एकदम हार्मलेस था। कुछ जर्मन शेपर्ड वगैरह कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था, सिर्फ सरकैज़म में वो बनाए थे। आगे उन्होंने ईमेल का स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट करके दिखाया कि कैसे वो मेल में रीच आउट करने का कोशिश किए जहां से उनको स्ट्राइक्स मिला। उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि वो एक बहुत ही स्मॉल क्रिएटर है एंड वो ये मीम पेज के थ्रू अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। बट स्टिल उन्होंने कहा कि वो हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि ध्रुव राठी के टीम ने रिफ्यूज कर दिया कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक को नहीं रिट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड आपको फर्दर डिस्कशन करना है तो आप जाकर डायरेक्टली ध्रुव राठी से बात करो। बाकी उन्होंने स्ट्राइक्स के स्क्रीनशॉट्स को भी अटैच किया, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो लिखा हुआ है राइट्स ओनर ध्रुव राठी एंड नीचे कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह दिया हुआ है जहाँ पर वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट करके बात कर लिए बट उनको कुछ हेल्प नहीं मिला। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो दीपक कलाल एंड पुनीत सुपरस्टार इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में फीचर हुए एंड वहां से एक क्लिप लीक हुआ। यस गाइस, पुनीत सुपरस्टार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में खुद ये क्लिप को पोस्ट किए, आप देख सकते हो। एंड यहाँ फाइनली दीपक कलाल वाला एपिसोड आ रहा है यार। एक महीना पहले समय रहना अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछे थे कि आपको कौन चाहिए लेटेंट में, तब मैंने रिप्लाई किया था वहां पर दीपक कलाल एंड 31,000 लोग लाइक करके अग्री किए थे कि उनको भी देखना है दीपक कलाल को, तो फाइनली ये वाला एपिसोड आएगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ओरी के बारे में। तो प्यूमा ने ओरी को बहुत ब्रूटली रोस्ट कर दिया। यस गाइस, बेसिकली प्यूमा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक प्रमोशनल रील पोस्ट किए थे जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फीचर्ड थे जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, मोहम्मद शामी, मेनी अदर्स। एंड बेसिकली प्यूमा के कुछ बर्थडे बैश का वो इनविटेशन दे रहे थे इन सेलिब्रिटीज को। तो ओरी भी एक इनविटेशन मांगते हुए नीचे ये कमेंट किया, विराट, बेबो, मेरी कॉम। अब यहाँ पर सिर्फ एक नाम और नीडेड है, दैट इज ओरी, आई विल ऑल्सो कम। जिस पर प्यूमा इंडिया उनको रिप्लाई करते हुए बोले कि वी डिडंट सेंड यू एन इनवाइट, तुमको बुलाया कौन है। अब लोगों को ये चीज बहुत फनी लगा बट लेट मी टेल यू, ये भी प्रोबेबली एक मार्केटिंग स्टंट ही था क्योंकि फिर प्यूमा इंडिया की तरफ से एक और पोस्ट आया जहां पर उन्होंने लिखा था, बर्थडे बैश यू आर इनवाइटेड, ओरी इज नॉट। जिस पर ओरी फिर से कमेंट किए थे, व्हाट द हेल। जिस पर प्यूमा रिप्लाई दिए, फेल्ट रूड, विल डू इट अगेन, प्यूमा बर्थडे बैश इज एन ओरी फ्री जोन। नाउ इवन दो ये प्रोबेबली एक मार्केटिंग स्टंट है बट लोगों को ये रोस्ट काफी बढ़िया लगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सौरव गांगुली के बारे में। तो क्रिकेटर सौरव गांगुली एक यूट्यूबर के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिए। जहां गाइस बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर सौरव गांगुली के ऊपर एक रैंट वीडियो अपलोड किए थे जहां पर वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किए थे एंड इस वजह से उनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दिया गया। वो जो यूट्यूबर है मृन्मोय दास, वो एलिजेडली अपने वीडियो में सौरव गांगुली के पिक्चर्स, वीडियोस एंड कोलकाता डॉक्टर केस से रिलेटेड वो जो स्टेटमेंट पास किए थे उसको यूज करते हुए रैंट किए थे एंड एलिजेडली अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किए थे। तो इसको देखकर सौरव गांगुली की जो सेक्रेटरी है उन्होंने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर्स के लिए ह्यूज अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, यूट्यूब स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक फीचर लॉन्च किए हैं जिसके वजह से उनको और भी ज्यादा रीच मिल सकता है। यस गाइस, रिसेंटली वो बहुत सारे फीचर्स को अनाउंस किए बट उसमें से एक फीचर का नाम था हाइप। इस सेक्शन में बेसिकली स्मॉल टू मीडियम साइज क्रिएटर्स के वीडियोस रहेंगे एंड यहाँ पर एक वीकली लीडर बोर्ड रहेगा। तो इस सेक्शन में क्या होगा कि ऑडियंस अपने फेवरेट यूट्यूबर के वीडियो को पुश करने के लिए लाइक बटन को दबा सकते हैं एंड उसके वजह से हाइप वाले सेक्शन के लीडर बोर्ड में ये वीडियो ऊपर जाएगा एंड जितना ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स उतना ज्यादा रीच मिलेगा। बट नॉट ओनली दिस, यूट्यूब वर्टिकल लाइव सेक्शन के लिए भी गिफ्ट्स अनाउंस किया गया है। बेसिकली यूट्यूबर्स जो वर्टिकल लाइव स्ट्रीम्स करते हैं वहां पर ऑडियंसेस गिफ्ट्स दे सकते हैं एंड ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग इनकम सोर्स बन सकता है यूट्यूबर्स के लिए। एंड ऑल्सो एक ऑटो डबिंग फीचर अनाउंस किया गया है जहां पर बताया जा रहा है कि नो मैटर आप किस भी लैंग्वेज में अपने वीडियो को बनाए हो, यूट्यूब का सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब कर देगा जिसके वजह से आप वाइडर ऑडियंस को रीच आउट कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं अरिजीत सिंह एंड एक फैन के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, अरिजीत सिंह के एक रीसेंट शो से ये वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अचानक से वो नोटिस करते हैं कि एक फैन स्टेज में खाना रख दिए थे। ये चीज शायद से अरिजीत सिंह को अच्छा
खाने लगा तो वो खाना को रेस्पेक्टफुली साइड में ऑर्गेनाइजिंग टीम को शायद से किसी को दे दिया। एंड वो अपने फैन को बोले, आई एम सॉरी बट दिस इज माई टेम्पल, यहाँ पर खाना नहीं रखा जा सकता है। वो पोलाइटली भी फैन के तरफ जेस्चर्स किए थे, जैसा कि आप देख सकते हो, वो गुस्सा वगैरह नहीं थे। तो इस क्लिप को देखकर कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहने लगे कि अरिजीत सिंह अगर स्टेज को टेम्पल बोल रहे हैं तो उसमें जूता क्यों पहने हुए, आप टेम्पल में जूता पहन के जाते हो क्या। तो इस पर एक फैन रिप्लाई देते हुए कहे कि कुछ कूल लोग ये कमेंट करने लग रहे हैं कि टेम्पल में शू कौन पहनता है, यहाँ पर टेम्पल को वो यूज किए हैं एज अ मेटाफर। बट छोड़ो, आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कुछ पॉइंट ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो क्या ये लेट सिंगर की वाइफ शाहरुख खान को एक्सपोज कर दी? सो गाइस, लेट सिंगर आदेश श्रीवास्तव हु पास्ड अवे इन 2015, रिसेंटली उनकी वाइफ एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान से रिलेटेड एक चीज रिवील करके बताई कि जब आदेश हॉस्पिटल में थे एंड वो गुजरने वाले थे तब शाहरुख खान उनसे मिलने आते थे। एंड जस्ट बिफोर पासिंग अवे आदेश इनडायरेक्टली शाहरुख खान से एक रिक्वेस्ट किए थे कि वो उनके बेटे के करियर का थोड़ा सा ख्याल रखे, थोड़ा हेल्प कर दे। वेल एलिजेडली शाहरुख खान अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किए क्योंकि जो नंबर उनके तरफ से दिया गया था वो काम भी नहीं कर रहा है, वो रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उन्होंने ओपनली रिक्वेस्ट किया शाहरुख खान से कि प्लीज मेरे सन को हेल्प चाहिए, ही नीड्स अ लिटिल पुश, उनको रेड चिलीज के एक मूवी में कुछ एक रोल दे दो, ही इज सच अ गुड एक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस पलक सिंधवानी के बारे में। तो टीएमकेओसी एक्ट्रेस पलक सिंधवानी बोली कि एक फॉल्स रूमर की वजह से उनका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। जहां गाइस, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि एलिजेडली टीएमकेओसी के मेकर्स उनको लीगल नोटिस भेज दिए हैं क्योंकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच किए। रूमर्स के थ्रू क्लेम किया जा रहा था कि वो कुछ ऐसे एंडोर्समेंट्स की थी जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। अब इस चीज को वो कंप्लीटली डिनाई करते हुए बोली कि मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया और मेरे को कोई लीगल नोटिस भी नहीं मिला है। मैं प्रोड्यूसर असित मोदी सर को भी इन्फॉर्म की हूं इस फॉल्स न्यूज के बारे में दैट हैज बीन स्प्रेडिंग एंड मैंने उनको कहा है कि हाउ इट्स बीन अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लिपकार्ट के बारे में। तो हैशटैग फ्लिपकार्ट स्कैम क्यों ट्रेंड कर रहा है अचानक से, चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। जहां गाइस, ट्विटर में हैशटैग फ्लिपकार्ट स्कैम ट्रेंड कर रहा था क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स क्लेम करके बोले कि फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म में फायर ड्रॉप्स हुआ था एंड एक पर्टिकुलर फोन था मोटोरोला G85, उसको 99% डिस्काउंट में डाला गया था। बहुत सारे कस्टमर्स ऑफ कोर्स खरीद लिए एंड उनको ऑर्डर कंफर्म्ड का मैसेज भी आ गया। बट देन अचानक से सभी लोगों को मेल्स जाने लगा कि उनका ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड। तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर ट्वीट करने लगे कि भाई ये तो स्कैम है, आपने मेरा ऑर्डर कंफर्म कर दिया फिर कैंसिल क्यों किए। वेल, जब वो लोग फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट में जाकर ये सवाल उठाए तब उनके तरफ से जवाब आया कि जो सेलर थे वो गलती से अपने प्रोडक्ट को गलत प्राइस में कोट कर दिए थे एंड इसीलिए हम लोग को ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यंग सीए के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, क्या एक यंग सीए ओवरवर्क करने की वजह से अपना जान गंवा दी? वेल गाइस, एक 26 साल की सीए जो कि इस साल जुलाई में अपने लाइफ को लूज कर दी थी, उनकी मदर की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में वो ईवाई पुणे में ज्वाइन की थी, बट जैसे ही वो ये न्यू जॉब को स्टार्ट की उनको ओवरवर्क कराना स्टार्ट कर दिया गया था। वो टायरलेसली हर समय काम करते रहती थी एंड ये चीज उनकी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। उनको एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने लगा, बट स्टिल वो अपने आप को पुश करते रही एंड इवेंचुअली शी लॉस्ट हर लाइफ। उनकी मदर फर्दर क्लेम करके बोली कि उनकी जो बॉस थी, मैनेजर थी, वो एक्सेसिव वर्कलोड उसके ऊपर डाल देती थी। अब वो कंपनी की तरफ से एक रिस्पॉन्स तो आया है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम लोग अभी वो फैमिली के साथ कनेक्टेड है एंड हम लोग जितना कोशिश कर सकते हैं हेल्प करने का हम लोग कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली। बट यस, हम लोग की कंपनी में 1,00,000 से भी ज्यादा लोग जो वर्क करते हैं, हम लोग उनके वेल बींग का टेक केयर करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइड अ हेल्दी वर्क प्लेस। बट यस, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग एक यूनियन मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट आया कि वी आर वेरी सैडेंड बाय द ट्रेजिक लॉस ऑफ एनी सेबेस्टियन। इस सिचुएशन में हम लोग एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे एंड जो भी एलिगेशंस कंपनी अगेंस्ट लगाया गया है हम लोग सब कुछ इन्वेस्टिगेट करवाएंगे एंड वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग जस्टिस। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विजय GFX ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव व्यू ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड लाइव स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक करते जा रहे हैं यार। यहां गाइस, कल इंडोनेशिया में जाकर जो वो IRL स्ट्रीम किए थे उसके दौरान वो 1,000,000 लाइव वॉचिंग के रिकॉर्ड को ब्रीच कर दिए। लिटरली गाइस, दिस इज वेरी ह्यूज। 1,000,000 लाइव वॉचिंग बहुत ही बड़ी बात होती है एंड स्पीड का रिएक्शन क्या था आप खुद देख लीजिए। Oh,
वो अपने ट्विटर में भी स्ट्रीम के नंबर्स को पोस्ट किए एंड आप शॉक हो जाओगे उसको देखकर। स्ट्रीम के दौरान उनके व्यूज आए अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन, कॉन्करेंट पीक व्यूअरशिप गया था 1.04 मिलियन एंड टोटल वॉच टाइम जो स्ट्रीम के दौरान से आया वो था 2.2 मिलियन। बट यार टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो वो अपने जैसे एक क्रेजी फैन को मिले, लिटरली वो एक इंडोनेशियन वर्जन ऑफ स्पीड से मिले। आप खुद ये वाला मोमेंट देख लो। You made this, Bati? Yes, my company, USS. You made this shit for me? Yeah! Thank you, mother... Yeah! Thank you, mother... What the fuck is wrong with this nigga? You okay? Yeah, I'm okay! The fuck? What is wrong with this dude? Dance off! The fuck is he on? Huh? You, what's wrong? उसके रिगार्डिंग है ये। उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि वो लोगों से ओवर टाइम करवा रहे हैं एंड वो मिनिमम वेजेस भी नहीं पे किए। सेकेंडली सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी वो प्रिवेंट नहीं कर पाए। थर्डली जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनको अनइंटरप्टेड मील ब्रेक्स और रेस्ट ब्रेक्स भी नहीं मिल रहे थे शूट के दौरान। एंड नॉट ओनली दिस, एक और बहुत बड़ा रिपोर्ट आया इस शो के अराउंड से कि एक मिस्टर बीस्ट के क्रू मेंबर इसी के शूट के दौरान एलिजेडली हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि एक टावर उनके ऊपर कोलैप्स कर गया था व्हाइल फिल्मिंग। भाई साहब रिसेंट टाइम्स में मिस्टर बीस्ट का काफी खराब टाइम चल रहा है, बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर कंटिन्यूअसली लगे जा रहे हैं। बाकी चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।